हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको बेसिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कहता है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, तो जो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग इसके फिगर से समझेंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। चलिए सेम वही सवाल यहाँ दिया हुआ है, इसमें कहता है कि 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से। तो पहले ये क्या करेंगे, पहले हम एक बेलन बनाएंगे। चलिए यहाँ एक पहले बेलन बना लेते हैं। क्या हो गया, एक बेलन बना रहा हूँ। यह बेलन हो गया। यह क्या हो गया, बेलन हो गया। और कहता है कि इसका जो ऊंचाई कितना दिया है 2.4 cm और व्यास दिया है 1.4 cm। देखिए यहाँ जो इसका जो व्यास दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यह जो व्यास दिया हुआ कितना दिया है, 1.4 cm दिया हुआ है। और इसका ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 2.4 cm दिया है। देखिए तो इसका ऊँचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दिया है, 2.4 cm दिया हुआ है। यह इसका ऊंचाई हो गया, यह इसका व्यास हो गया। और कह रहा है कि एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। देखो कहता है इसी ठोस बेलन में से, यह बेलन जो है पूरा ठोस है, इसमें से क्या कह रहा है कि सेम ऊंचाई का और सेम व्यास का एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। अब इसमें से क्या कर रहा है, वह शंकुआकार खोल को काट लिया जाता है। तो शंकुआकार खोल जब काटेगा तो इस तरीके से काटेगा, सेम ऊंचाई के कह रहा है। देखिए सेम ऊंचाई के शंकुआकार खोल काटने को बोल रहा है, मतलब यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से इसका ये हो जाएगा। यह क्या हो गया, सेम ऊंचाई का हो, जितना इसका ऊंचाई होगा उतना ही बेलन का ऊंचाई होगा। और देखो यह शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों का सेम हो गया, तो शंकुआकार खोल क्या किया, काट लिया गया। शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब इसे क्या निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जो शेष बच गया उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब इसमें से हम खोल क्या करते हैं, शंकुआकार खोल हम काट लेते हैं। तो चलिए इसका पहले क्या निकालें, तो पहले बेलन का क्या है, बेलन का व्यास देख लेंगे। यहाँ व्यास कितना दिया, 1.4 दिया है। यहाँ लिखेंगे हम हल, देखिए यहाँ पहले लिखेंगे हम बेलन, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया है, 1.4 cm दिया है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 1.4/2, यानी हो जाएगा 0.7। 0.7 के साथ क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या इतना cm हो जाएगा। और बेलन का व्यास जब इतना है, और देखो यहाँ बेलन का व्यास ही इतना है, उसका बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ लिख लेंगे हम बेलन, बेलन की ऊंचाई। देखिए तो बेलन की ऊंचाई जो है h बराबर कितना दिया है, वह 2.4 cm। अब इसके बाद चलेंगे हम शंकु में, तो शंकु का भी व्यास सेम होगा,
यहाँ लिख लेंगे हम शंकु का व्यास कितना दिया 1.4 cm, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या होगा वह कितना होगा 1.4 का आधा हो जाएगा यानी 0.4 cm हो जाएगा। 0.4 cm क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 0.4 cm, इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका देखो शंकु जो कि त्रिज्या इतना होगा तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा, शंकु का ऊंचाई भी यही होगा जो इसका ऊंचाई है, वो भी शंकु का ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है इसी व्यास वाला और इसी, देखो यहाँ कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार, तो देखो जितना इसका व्यास होगा तो शंकु का भी ऊंचाई सेम होगा, जितना इसका ऊंचाई इतना इसका ऊंचाई होगा। यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.4 cm हो जाएगा, दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो इसका बेलन का पृष्ठ होता है 2πr h और शंकु का जो पृष्ठ होता है वह क्या होता है πr l होता है। यहाँ पर हमको देखिए शंकु का r मालूम हो गया, h मालूम हो गया, लेकिन इसका l जो होता है, यह l जो होता है वह नहीं मालूम है, क्योंकि इसका जो l निकालना पड़ेगा तो इसका l मालूम नहीं है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे, शंकु के त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई को क्या सूचित करते हैं l से, तो l बराबर क्या होता है रूट अंदर h² प्लस क्या होता है r², तो h² h कितना निकला इसका 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर और r का मान कितना निकला 0.7, तो 0.7 के स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्या होगा रूट चल जाएगा। देखिए तो यहाँ 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का 2.4 है, इसको मान लो 2.4 नहीं मैं इसको क्या मानेंगे 24 मान लेंगे, तो 24 के स्क्वायर होता है 576। यहाँ दशमलव क्या करेंगे, दो अंक बाद दशमलव डाल देंगे। और देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है, 7 के स्क्वायर होता है 49, यहाँ पर दशमलव एक अंक बाद डाल देंगे। देखिए जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 9 कितना होता है 15, इस 6 9 15 हो जाएगा। इसके बाद 6 9 15, इसके बाद 7 4 11 एक कितना होगा 12, 5 1 हो जाएगा 6, दशमलव कितना अंक बाद आएगा दो अंक बाद। देखिए तो इसका वर्गमूल जो होता है, देखो 6 कितना है 2.5 है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 25, दशमलव डाल देंगे यहाँ दो एक अंक बाद, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना 2 0 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना आएगा 2 0 आएगा, तो कितना 100 आएगा, 100 का वर्गमूल कितना 10 होता है, दशमलव हो जाएगा एक अंक बाद। तो इतना cm क्या आ गया इसका त्रिज्या ऊंचाई आ गया, त्रिज्या ऊंचाई कितना गया 2.5 cm। चलिए अब हम इसको त्रिज्या ऊंचाई मालूम हो गया, अब हम क्या निकालेंगे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए तो मेरा पृष्ठ क्या क्या है, कहता है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो पृष्ठ में पहले देखें बेलन, पूरा बेलन का पृष्ठ निकलेगा, इसके बाद शंकु जब हम काट लेंगे तो यहाँ देखो यहाँ से यह शंकु काट रहे हैं, यहाँ से यह शंकु काट रहे हैं, तो जब यह शंकु काट लेंगे तो इसका भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। पहले पूरा बेलन का पृष्ठ निकलेगा, तो बेलन में मेरा क्या बचा है, ये पृष्ठ बचा है और यह वृत्ताकार पृष्ठ बचा है, क्योंकि यह पृष्ठ यहाँ से मेरा क्या हुआ शंकु जब हम काट लेंगे तो यह वृत्ताकार पृष्ठ तो मेरा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे हम इसको काट रहे हैं, तो काट रहे तो इसका भी पृष्ठ निकलेगा और बेलन का ही पृष्ठ निकलेगा और यह वृत्ताकार जो है इसका ही वक्र पृष्ठ निकलेगा। जितना हम काटते हैं वह सब पृष्ठ में जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह पृष्ठ मेरा पूरा बचा है, यह बेलन का भी पृष्ठ बचा है, यह जो वृत्ताकार पृष्ठ है यह पृष्ठ क्या मेरा कट गया, क्योंकि यहाँ से हम शंकु आकार ऐसा काट रहे हैं, काट रहे थे, काट के अगर निकाल देंगे तो यह जो मेरा पृष्ठ ये पृष्ठ और ये पृष्ठ क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो इसका भी निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं शेष बचे ठोस
देखिए यहाँ शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें मेरा क्या क्या है, देखो यहाँ पर पहले बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का होता है 2πRH, बेलन का होता है 2πRH प्लस। इसके बाद है, इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा πRL। और मेरा अब कौन कौन बच रहा है, देखो यह वक्र पृष्ठ बेलन का निकल गया, यह शंकु यहाँ से काट ले, इसका वक्र पृष्ठ निकल गया। अब यहाँ से देखिए इसका भी वक्र पृष्ठ निकलेगा। अब यह क्या है क्षेत्रफल, यह क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो यह कितना है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पहले क्या किए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दिए, इसके बाद हम शंकु का, क्योंकि शंकु जब हम काट लेंगे तो इसको घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इतना जब हम काट के निकाल लेते, यह मेरा इतना जो दाग वाला बच गया, यह मेरा वक्र पृष्ठ अब बच गया, तो यह जो काटेंगे उसका हम जोड़ेंगे इसमें। इसके बाद क्या है वृत्ताकार बच गया, अब मेरा कौन बच गया, यह वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, क्योंकि यह वृत्ताकार तो मेरा कट के निकल गया, ऐसा शंकु निकाले तो यह तो हट गया है, तो यह नहीं जोड़ेगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाई आर कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2H, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा L और यहाँ पर बचेगा R। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम मान डालेंगे, देखो तो इसका हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान, मेरा कितना निकला, आर का मान देखिए मेरा निकला 0.7, यहाँ पर डालेंगे हम 0.7 इंटू, फिर यहाँ निकला 2 गुने एच का मान कितना है 2.4, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.4 प्लस एल का मान मेरा कितना निकला 2.5 और आर का मान फिर क्या है 0.7। अब देखिए यहाँ पर 0.7 को अगर हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो दशमलव 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे, यह 7 से यह 7 कट जाएगा, इसके बाद कितना बचेगा 22/10 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 22/10, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 22/10 इंटू, देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 × 4, देखो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ 4.8 बचेगा, फिर प्लस यहाँ होगा 2.5, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ 0.7, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए 22/ क्या हो जाएगा 10, 22/10 हो जाएगा गुने, अभी सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे कितना पूरा है 7 × 5 = 12, 12 × 8 = 20, 20 के 0 हासिल कितना होगा 2, दशमलव के बाद क्या 0 और 2, कितना 2 ये होगा, 2 × 4 = 6 और 2, इसका हासिल कितना हो जाएगा 8, दशमलव यहाँ हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ सीधा 8 बच गया, तो 8 से इसमें गुना कर देंगे, 8 में से गुना करेंगे तो कितना 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 = 1 कितना हो जाएगा 17, बटा में कितना हो जाएगा 10, इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना देगा, यह भाग करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर देगा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका रियल आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि इसका निकटतम लेना है, देखिए यहाँ कहता है कि शेष बचे ठोस का, देखिए यहाँ कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, मतलब इसका निकट के संख्या लेना है, इसका निकट के संख्या कितना, देखो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इसका निकटतम कितना होगा, इसका जो निकटतम होगा वह हो जाएगा, देखो 17.6 के निकट में कौन आता है 18 आएगा, क्योंकि 17.4 आता था कौन आता, 16 आता, लेकिन यह क्या है 5 रहता तो भी इसमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि 17.5 रहे तो हो सकता है 18 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, लेकिन 17.6 है तो क्या, अगर पॉइंट में क्या 5 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, यार 17.6 है तो इसको हम निकटतम में 18 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 18 cm². यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ निकटतम कर रहा था, निकट 17.6 के निकट में संख्या कौन है 18 है, तो यह हो जाएगा 18 cm². हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।